वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका में अपॉइंट किए जा रहे नए एम्बेसडर के अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर दिया है और ये पाकिस्तान के लिए काफी शर्म की बात है। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तानी एम्बेसडर के अपॉइंटमेंट को क्यों ब्लॉक किया गया है, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने लिखा है, यूएस ब्लॉक्स पाक एम्बेसडर मसूद खान्स अपॉइंटमेंट ओवर पॉसिबल टेरर लिंक्स। हुआ ये है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा अपने नए एम्बेसडर को अमेरिका में अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है मसूद खान, लेकिन अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इनके नए एम्बेसडर के अपॉइंटमेंट को लेके उस पेपर्स को परमिशन नहीं दिया गया है जिनके द्वारा उन्हें अमेरिका में अपॉइंट किया जाए। तो इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है? तो इसके पीछे का एक्चुअल कारण है स्कॉट पेरी। यूएस कांग्रेस के एक सीनेट हैं जिन्होंने बकायदा लेटर लिखा जो बाइडेन को और रिक्वेस्ट किया कि इस पाकिस्तान के नए एम्बेसडर मसूद खान को अपॉइंट नहीं किया जाए एज अ पाकिस्तान एम्बेसडर इन यूएसए। पेरी अपने लेटर में लिखते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा नया एम्बेसडर मसूद खान एक जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति है जिसके कई सारे टेरर लिंक्स पाए गए हैं और इसने पाकिस्तान में स्थित हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन का खुलकर समर्थन किया है। स्कॉट पेरी अपने लेटर में आगे लिखते हैं कि ये मसूद खान इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बुरहान वानी का भी समर्थन कर चुका है जिसे इंडियन आर्मी के द्वारा 2017 में मार दिया गया था। स्कॉट पेरी आगे लिखते हैं कि अगर मसूद खान का अपॉइंटमेंट होता है अमेरिका में एज ए पाकिस्तानी एम्बेसडर तो इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा हमारे इंडिया के संबंधों पे और अदर अलायंस पे। अब हम आपको बताएंगे कि ये मसूद खान कौन है। तो मसूद खान 2016 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का सो कॉल्ड प्रेसिडेंट रहा जिसे पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया था, और ये सो कॉल्ड प्रेसिडेंट इसलिए था क्योंकि पीओके में क्या होता है ये तो आपको पता ही है, ये एक पपेट था यानी कि पुतला था और इसका वजूद कुछ भी नहीं था, लेकिन ये इंडिया के खिलाफ अलग अलग देशों में जाके प्रोपेगेंडा चलाता रहता था और इंडिया के विरोध में कई सारे स्टेटमेंट्स देता रहता था। इससे पहले मसूद खान को पाकिस्तान के द्वारा चाइना का एम्बेसडर बनाया गया था और उससे पहले भी ये पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव था यूनाइटेड नेशन में। हालांकि पीओके के प्रेसिडेंट के रूप में जो इसका टेन्योर रहा है वो काफ़ी खराब गुजरा है क्योंकि इंडियन आर्मी ने ऑल आउट जैसा मिशन चलाया हुआ था जिसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए और इंडियन गवर्नमेंट ने भी जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया जिससे इसका जो टेन्योर है वो काफ़ी खराब गुजरा है। लेकिन अब पाकिस्तान के द्वारा इंडिया के खिलाफ एक नए प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए इसको अमेरिका में अपॉइंट किया जा रहा है एज अ पाकिस्तानी एम्बेसडर ताकि ये अमेरिका में रहे और भारत के खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा को चलाता रहे और भारत के विरोध में अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट्स को देता रहे। हम आपको बताते हैं कि अमेरिका के द्वारा इसके अपॉइंटमेंट को ब्लॉक क्यों किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका और चाइना के बीच में काफ़ी समय से टेंशन चल रहा है और अमेरिका एनिमी नंबर वन मानता है चाइना को, और वहीं पे पाकिस्तान पूरी तरीके से खुल के समर्थन करता है चाइना का। कई सारे पश्चिमी देश और यूनाइटेड स्टेट के द्वारा बीजिंग में इस बार होने वाले विंटर ओलंपिक्स को बायकॉट किया गया है, वहीं पे पाकिस्तान के द्वारा इसको पूरी तरीके से समर्थन दिया गया है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विंटर ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में भी जाने वाले हैं। जो बाइडेन के द्वारा इन्हीं सब कई सारे कारणों को देखते हुए इमरान खान के नए एम्बेसडर के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है, क्योंकि इमरान खान कई सारे ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं जो एंटी यूएस होता है और वो चाइना के पक्ष में खुल के बोलते हैं, इसीलिए अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान से काफ़ी नाराज चल रहा है। अब चूंकि ये मसूद खान पूरी तरीके से एंटी इंडिया है और टेररिस्ट को सपोर्ट करता है इसीलिए इसके अपॉइंटमेंट को ब्लॉक करना इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।